बेखौफ अपराधियों ने बालू कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। वही हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए हैं। घटना हथुआ के बंगड़ा गांव की है। मृतक का नाम अनिरुद्ध सिंह है। 55 वर्षीय अनिरुद्ध सिंह हथुआ थाना क्षेत्र के बंगड़ा गांव के रहने वाले हैं। वे मीरगंज में बालू का कारोबार करते थे। मृतक के परिजनों के मुताबिक 55 वर्षीय अनिरुद्ध सिंह अपने बाइक से गांव मीरगंज आ रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से अनिरुद्ध सिंह खेत की तरफ भागने लगे। भागने के दौरान अपराधियों ने उन्हें 4 गोली मारी, जिससे अनिरुद्ध सिंह पानी भरे चंबर में गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने बाइक को देखा। बाइक की पहचान के बाद मृतक के शव को खोजा गया तो सड़क से थोड़ी दूर पर पानी भरे चंबर में उनका शव पड़ा हुआ था। मृतक के शरीर में 4 गोली लगी है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। वही मौके पर हथुआ पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के परिजनों के मुताबिक वे बालू के कारोबारी है और पुरानी रंजिश को लेकर उनका हत्या की गई है। हत्या से पहले उन्हें किसी प्रिंस नाम के बालू का दलाल के द्वारा धमकियां भी मिली थी और पुरानी रंजिश को लेकर उनकी गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले यहाँ धमकिया होता था उधर से कि हमारे धंधा में टांग मत अड़ो, मरवा दे, घोड़ा तुरवा के फेंकवा दे। यहाँ का बार बार कहते नहीं थाना में अगर कुछ कार्रवाई ना होता था। रोज रोज भाई एक दो दिन के बाद धमकिया था। प्रिंस यादव वो भी बालू का काम करता है, वो आज महादेव चौधरी को मरवा दिया, इनको मरवा दिया है। रोज धमकी आ रहा था, रोज पापा से बोलते थे मत जाइए, लेकिन आज मरवा दिया। कब की घटना है बाबू? 5 बजे ड्राइवर से बात हुआ तो बोले थे एंडिंग कराया है। 6 बजे के लगभग में घटना है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।